Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है और अभी दोस्त हम आपके साथ हम बात कर रहे थे. हर शहर की आदत मुख्तलिफ है. माशाल्लाह इस शहर की आदत हम देख रहे हैं कि फजर के बाद बहुत ज़ौक और शौक़ के साथ आप सब बैठे हुए हैं. लाहौर के अंदर बहुत मुश्किल होता है फजर के बाद, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में, कि लोग इस तरह बैठें और अल्लाह ताला के दीन की बात सुनें. तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ाए खैर दें. अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक हदीस आपके गोश गुजार करूँगा जो कि इंशाल्लाह मेरे और आपके लिए एक मोटिवेशनल हदीस है, हमें एक नई उम्मीद देती है इस तरह की महाफिल में शामिल होने के लिए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स इल्म सीखने के लिए, यहाँ से इल्म से मुराद इल्म वही है, किताब व सुन्नत का इल्म है, जो शख्स इल्म सीखने की नीयत से या इल्म सिखलाने की नीयत से मस्जिद की तरफ जाता है तो उसका जो सवाब है वो ऐसे है गोया कि उसने एक पूरा हज किया हो. ये छोटी बात नहीं है. अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इसको मस्जिद के हुक्म में ही शामिल करें. और बेशुमार अहदीस हैं तो इंशाल्लाह आपका यहाँ पे बैठना, महज आपका यहाँ पे बैठना, बल्कि आपके अलावा यहाँ से जो राह गुज़र है उसका भी यहाँ से थोड़ी देर के लिए वक्फ कर लेना भी उसकी निजात के लिए काफ़ी है. औ कमा कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारा आज का जो मौजू है वो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं मोहम्मद अली भाई हाफिज़हुल्लाह, उनका मौजू है कामयाब लोगों की पांच सिफ़ात. वैसे तो कुरान मजीद सिफ़ात से भरा हुआ है लेकिन इंशाल्लाह आपके सामने कुरान मजीद ही की रोशनी से पांच सिफ़ात मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा. लेकिन गुफ्तगू के शुरू में मुकद्दमतन एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ चीज़ें आपके मैं सामने रखूँगा. और पहला सवाल ये है कि कामयाबी क्या है. कामयाबी क्या है, गुफ्तगू का मौजू तो हमने देख लिया कामयाब लोगों की पांच सिफात, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कामयाबी आखिर है क्या. कामयाबी
को हम डिफाइन करें, उसको तय करें कि कामयाबी क्या है, फिर हम अपनी गुफ्तगू से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं, बिल्कुल इसी तरह कामयाबी के बारे में भी लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। और अगर दीनी एतबार से कामयाबी को देखा जाए तो आम तौर पे एक आम फहम जो लोगों के जहन में बात है वो ये ही है कि दीनी कामयाबी का मतलब है कि आप इबादात में सुरखरू हों और आपको इबादात में लज्जत आए और आप तमाम वो उमूर करें जो कि अल्लाह ताला ने कहा है, जो कि एक पहलू से सही बात है। लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर करना, कुछ गलत फहमियों को दूर करना निहायत अहम है, और ये दीन का असूल है। आप कलमा पढ़ते हैं, कलमा क्या है जी? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे में पहले नफ़ी है, पहले इनकार है। आप इनकार करते हैं कि इबादत के लायक कोई नहीं, फिर इस बात है। तो बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गलत फहमियाँ हैं, जो गलत फहमियाँ हैं कामयाबी को लेके वो क्या हैं। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने आपके सामने जो आयात तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़मिना नासी मन यकूलू, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कि कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, या अल्लाह हमें दुनिया दे। वो सिर्फ क्या मांगते हैं? सिर्फ दुनिया मांगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, इनके लिए आखिरत में कुछ नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने तरबियत की, हम ये समझेंगे कि अल्लाह ताला शायद तरबियत करना चाह रहे हैं कि आखिरत मांगी जाए, अल्लाह ताला तरबियत कर रहे हैं कि सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी बल्कि दुनिया भी मांगनी है और सबसे ज़रूरी आखिरत भी मांगनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनहुम मन यकूलु रब्बना, और कुछ उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं या अल्लाह, या हमारे रब, हमें अता कर दुनिया में से भी बेहतरीन और वफिल आखिरति हसना, और हमें वकीना अज़ाब अन्नार। तो इस आयत को यहाँ पे कोट करने का मकसद ये है कि कामयाबी असल एक अहले ईमान के लिए दुनिया की कामयाबी भी है और आखिरत की कामयाबी भी है। कुरान मजीद की तरफ अगर हम देखें तो कुरान मजीद की एक और आयत से भी हमें ये बात पता लगती है। आम तौर पे हम लोग समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में कामयाबी मिल गई तो पता नहीं आखिरत में मिलेगी या नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था वहुवा मुमिन, जिसने अमल किया सालेह अमल, चाहे वो मर्द हो या औरत, वहुआ मोमिन, लेकिन हो अहले ईमान। अल्लाह आगे फरमाते हैं फलनुहयिन्नहू हयातन तय्यिबा, अल्लाह कहते हैं तो ज़रूर बज़रूर हम उसको हयात तय्यिबा देंगे। उलमा कहते हैं और मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद क्या है, जिसने नेक आमाल किए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसके लिए दुनिया की ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी है। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद हलाल रिज्क है, इससे मुराद जितना रिज्क अल्लाह ने दिया है उस पर किफ़ायत शुआरी है, इबादात में लज्जत है। तो पता ये लगा कि कामयाबी, असल कामयाबी किताब व सुन्नत के एतबार से दुनिया की और आखरत की कामयाबी है। यकीनन सरे फहरिस्त आखरत की कामयाबी है, लेकिन इसमें दुनिया की कामयाबी भी शामिल है। एक आखिरी आयत आपके सामने मुकदमतन रख के अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक बात बताई, ये बात तो तय है, अल्लाह ही ने सिखाया कि मांगनी है तो आखरत और दुनिया दोनों मांगो, खाली दुनिया मत मांगो। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान के अंदर फरमाते हैं कामयाबी की असल हकीकत को बताते हुए, अल्लाह फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वा उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
अल्लाह फरमाते हैं बस जो बचा लिया गया आग से, जो आग से बचा लिया गया, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़। असल कामयाबी ये है, अगर हम कामयाबी के मेयार को सिर्फ दुनिया का मेयार बना लें तो अल्लाह माफ़ करे, अक्सर सहाबा इस पैमाने के एतबार से तो कामयाब थे ही नहीं। अबू ज़र अल-ग़फ़ारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कामयाब नहीं थे, मुसब बिन उमैर कामयाब नहीं थे, हालांकि ऐसी बात नहीं है, उनसे ज़्यादा कामयाब कौन था। तो ये बात जहन में रखें कि जो पांच सिफात आज हम देखने लगे हैं, हमारी ओरिएंटेशन, हमारा हदफ आखरत होना चाहिए, फिर अल्लाह ताला दुनिया जो है वो वैसे ही दे देते हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत दुनिया हम्महु, जिसका सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ी फिक्र दुनिया हो गई, फर्रकल्लाहु अलैहि अमरहु, अल्लाह ताला उसके कामों को बिखेर देते हैं और उसकी आंखों के दरमियान फकीरी लिख देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में फरमाते हैं, मन और जिसने आखरत को अपना, मन कानतिल आखिरा, जिसने आखरत को अपना सबसे बड़ा हदफ बना लिया, नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके कामों को समेट देगा। और हदीस के अल्फाज हैं, उसका मफहूम ये है कि दुनिया उसके पास जलील होकर आएगी, यानी कि दुनिया उसके पीछे पड़ के आएगी, जितना अल्लाह ने रिस्क लिखा है वो तो मिलना ही है। तो आइए हम अपनी पांच सिफात की तरफ चलते हैं जो कि एक कामयाब शख्स की हुआ करती हैं। नंबर एक, और इनको हम किसी भी तरतीब में ले सकते हैं इंशाल्लाह, ये आपने याद रखनी है, एंड पे मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह, याद रखेंगे जी, सब गौर से सुन रहे हैं जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कामयाब शख्स की सबसे पहली सिफ्त वो है आखरत पर, मेरा जुमला पूरा करेंगे, आखरत पर, कुछ लोगों ने बोला है ईमान, कुछ लोगों ने बोला है यकीन। कुरान मजीद में ईमान बिल आखिरा का तज़किरा भी है, कुरान मजीद में यकीन का तज़किरा भी है। जो सिफ्त हमें मतलूब है वो आखरत पर यकीन है, महज ईमान नहीं, आखरत पर यकीन है। और अगर आप गौर करें इस सिफ्त के बारे में, अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ये महीना अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बहुत सआदत वाली घड़ियां हैं ये। कुरान मजीद को, रमज़ानुल मुबारक को फजीलत क्यों हासिल है, क्यों हासिल है जी, बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुरान मजीद की वजह से। अल्लाह ताला कहते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान, कुरान मजीद की के पढ़ने पढ़ाने की वजह से कुछ कैफियात हैं जो कि कुरान कहता है कि तारी होती हैं, होनी चाहिए, लेकिन हम गौर करें वो कैफियात हम पर तारी होती नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, لو انزلنا هذا القران على جبل, ए नबी, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया होता तो आप देखते, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, कि वो अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता। मुझे बताइए कि आजकल हम रोज कुरान नहीं सुनते, क्या हम कुरान नहीं पढ़ते? अगर पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं और हमारे दिलों पे कोई असर नहीं पड़ता तो फिर किसकी सख्ती ज़्यादा है। अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन अल-हदीथ किताबं मुतशाबिहा मसानी तक़शअरु मिन्हु जुलूदुल लदीना यख़शौना रब्बहुम थुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, सूरह ज़ुमर की आयत है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने नाजिल की ये हदीस या कुरान, किताब मुतशाबिहा, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि इसकी तासीर ये है कि अहले ईमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद तो हम सुनते हैं, क्या हमारे रोंगटे खड़े होते हैं? तो पता ये लगा कि कुरान मजीद से जो तासीर मतलूब होनी चाहिए वो नहीं है।
ये मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गया हूँ, मैं ताना बाना मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करें। पहली सिफ्त मैंने आपको क्या बताई कामयाब शख्स की, आखरत पर। उलमा कहते हैं कि अगर आप गौर करें कुरान मजीद के ऊपर, क्यों जी गौर किया जा सकता है कुरान मजीद के ऊपर, करना चाहिए कुरान मजीद के ऊपर गौर, अल्लाह ने खुद दावत दी, एक वजह बताई कुरान मजीद के नजूल की कि ताकि लोग इस पर तदब्बुर करें। उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान को और आखरत को जोड़ा है कुरान मजीद के अंदर। अगर आप कुरान मजीद पढ़ते हुए गौर करें तो जहाँ पे कुरान का जिक्र आता है वहाँ पे आखरत का जिक्र आता है। हाँ जी, सूरह बकरा कैसे शुरू होती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये आयत एंड कैसे होती है, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, अल्लाह ने किताब का तज़किरा किया और फिर तज़किरा किया आखरत पर यकीन का। एक और बहुत अहम मकाम है कुरान मजीद का जो कि इसी मौजू को हमारे सामने खोल के रखता है, सूरह वाकिया का आखिरी रुकू है, बहुत प्यारी आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला उक्सिमु बिमवाकिउ नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, इन्नहु लक़ुरआनुन كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون। अल्लाह ने कसम खाई, मुझे एक बात बताइए, घर पे अम्मी या अब्बू कोई बात कह दें कि बेटा ऐसे है तो मानेंगे बात, मानेंगे, बड़े हैं। महल्ले का, इलाके का कोई बड़ा सदर कोई बात कह दे, बात मानेंगे, मानेंगे। मुल्क का कोई बड़ा कोई बात कह दे, जिस तरह रुतबे में इजाफा होता जाता है बात की हक्कानियत में इजाफा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कह दें, वजन है कि नहीं है, बहुत वजन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई बात कह दें तो कोई शक बाकी रह जाता। और अल्लाह अगर कसम खा ले, फला उक्सिमु बिमवाकिउ नुजूम, तो मुझे बताएं फिर बात में वजन कैसा होगा। और ये जो मकाम मैंने आपके सामने तिलावत किया है ये एक बहुत अनोखा मकाम है कुरान का। अल्लाह ने बात भी कही, कसम भी खाई और फिर कहा यह बहुत बड़ी कसम है, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ। बात भी अल्लाह की, अल्लाह ने कसम भी खाई, अल्लाह ने कसम खा के यह भी कह दिया यह बहुत बड़ी बात है। मुझे बताएं कि कोई कसर रह जाती है जो अगली बात अल्लाह करने लगे उसके वजन में। अगली बात क्या है, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, बेशक ये कुरान मजीद बहुत बाइज्जत है। फी किताब मकनून, किताब मकनून में है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, अल्लाह ताला कुरान मजीद का जिक्र करके फिर मुझे और आपको झंझोड़ते हैं, डांटते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अफ़ा बिहादल हदीसी अंतुम मुदीनून, क्या ये वो कुरान है जिससे तुम मुदाहनत करते हो, इसको पढ़ते नहीं, समझते नहीं, इसकी तिलावत नहीं करते,
और अपना हिस्सा इसमें यह ठहराते हो कि इसको झुटलाते हो, और फिर कुरान मजीद का जिक्र करने के बाद अगली आयत आप सोचें कौन सी है। अल्लाह ताला ने मौत का नक्शा खींचा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, तो जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी। तो देखिए यहां पे भी कैसे अल्लाह ने कुरान मजीद की अजमत को किसके साथ जोड़ा, आखरत के साथ जोड़ा। तो पता ये लगा कि कुरान मजीद से फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनका आखरत पे महज ईमान ना हो बल्कि क्या हो, यकीन हो। आखरत पर यकीन होना ज़रूरी है। एक और मकाम देखते हैं कुरान मजीद का। हमसे पहले और उम्मतों को भी किताबें दी गई, सिर्फ हम अहले किताब हैं, और भी अहले किताब उम्मतें थीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं मिसाल उन लोगों की, मसलुल लजीन हुम्मिलु तौरात थुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु असफारा। मिसाल उन लोगों की जिनको हामिले तौरात बनाया गया फिर उन्होंने उसको ना उठाया। हामिले तौरात होने का क्या मतलब है, उसको उस पर अमल करना जैसे कि अमल करने का हक है, अल्लाह कहते हैं उन्होंने वैसे नहीं किया। अल्लाह ने पता है उनकी मिसाल क्या दी, कमसलिल हिमार, गधों की मिसाल है इन लोगों की। और अल्लाह कहते हैं बहुत बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया। यहां पे अल्लाह बात कर रहे हैं अहले तौरात की, उन्होंने अपनी किताब को झुटलाया। इन्हीं आयात में आगे अल्लाह ने वजह बताई कि आखिर वजह क्या है कि ये किताब को झुटलाते हैं। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इन लोगों को, और ये मेरे और आपके लिए भी एक इम्तिहान है। अल्लाह कहते हैं कुल या अय्युहल्लज़ीन हादु, ऐ वो लोग जो कि यहूदी हुए, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया लिल्लाह, अगर तुम्हें ज़ुम हो गया है, ये गलत फहमी हो गई है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के वली हो, तो अच्छा एक काम करो, फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। यहां पे मैं और आप भी अपने आप से सवाल करें, अगर हमें दावा है अल्लाह से मोहब्बत का, तो क्या आज अभी हम तैयार हैं मौत के लिए? अल्लाह ताला ने आगे खुद जवाब दिया। अल्लाह कहते हैं ये हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? बीमा कद्दमत ऐदीहिम, बवजह उसके जो उनके हाथों ने कमाया, उनके बुरे अमाल। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह खूब जानता है ज़ालिमीन को। और फिर अल्लाह कहते हैं कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम, ये मौत जिसे तुम भाग रहे हो जरूर तुम्हारे साथ मुलाकात करके रहेगी। तो पता लगा कि उनका मर्ज क्या था, मौत से भागते थे, आखरत पर यकीन नहीं था। तो दुनिया के अंदर कामयाब लोगों की सबसे बड़ी सिफत क्या है, वो आखरा ओरिएंटेड होते हैं, उनका हदफ आखरत होती है, और आखरत पर ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, आखरत पर हम सब का ईमान है, लेकिन जो मतलूब कैफियत है वो किसकी है, यकीन की। तो जो पहली सिफत मैंने और आपने अपने अंदर पैदा करनी है वो है आखरत पर यकीन पैदा करना। दूसरी सिफत कामयाब लोगों की, और ये सूरह सजदा के अंदर अल्लाह ताला ने, आप लोग सुनते रहते हैं लीडरशिप की वर्कशॉप्स होती हैं, आजकल दुनिया के अंदर ये बहुत चर्चा है लीडरशिप का, लीडरशिप वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत लोग पैसे देते हैं इन वर्कशॉप्स करवाने के लिए, और बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं, लोग बाहर जाते भी हैं इन वर्कशॉप्स को करने के लिए, मल्टीनेशनल इदारे चलाने के लिए लीडरशिप वर्कशॉप्स होती हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर नुस्खा बताया लीडरशिप का, जो कि हमारी दूसरी सिफत है। अल्लाह ताला सूरह सजदा के अंदर फरमाते हैं वजअलना मिनहुम अइम्मा, उनमें से हम लोगों ने लीडर्स पैदा किए, इमाम पैदा किए। अच्छा वो इमाम क्या करते थे, यहदून बि अम्रिना लम्मा सबरु, सबर करते थे, वकानू बि आयातिना यूकिनून, और हमारी आयात पर यकीन रखते थे। यकीन वाला पहलू हमने पहली सिफ्त में देख लिया। तो यहां पे जो दूसरी सिफ्त जिक्र करने का मकसद है वो है सबर। सबर किसको कहते हैं, कोई बताएगा? मुझे नहीं पता, यहाँ पे बयानात में सिर्फ बोलने वाला सुनता है, लेकिन मैं तो पूछूंगा। शोभा
बहसियत प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मुझे आपके नाम नहीं आते, लेकिन कोई अब्दुल्ला बैठा हुआ है इधर? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बड़ा कॉमन नेम है, सारे अब्दुल्ला हैं। हाँ जी, सब्र किसको कहते हैं? मुसीबत के वक्त सब्र करना। अल्लाह आपको जजाए खैर दे। लेकिन हमने सब्र को समझना है दीन की रोशनी में। सब्र सिर्फ मुश्किल पे अपने आप को ठहरा लेना, सब्र कर लेना, महज सब्र नहीं है। ये सबक याद कर लें, सब्र की तीन अकसाम हैं। कितनी अकसाम हैं? तीन अकसाम। सबसे पहला सब्र है अल्लाह के फरामीन पर अमल करना, सब्र है। फजर की नमाज के लिए तबीयत मान नहीं रही, सर्दी का मौसम है, रज़ाई से निकलने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी तबीयत पर सब्र करते हैं और अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हैं, तो ये सब्र है। अल्लाह की अतात पर अपनी तबीयत को जमाना सब्र कहलाता है। ये सब्र की पहली किस्म है। सब्र की दूसरी किस्म क्या है? सब्र की दूसरी किस्म है अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोक लिया है उससे अपने आप को रोक लेना। कुछ लोग समझते हैं कि अहले जन्नत जो है ना, वो उनके जहन में कोई बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता। क्या ख्याल है जी? अहले जन्नत तो बहुत साफ लोग होते होंगे, क्या ख्याल है जी? सही ख्याल है, गलत ख्याल है? अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, फअम्मा मन तगा व आथर अल हयात अद्दुनिया फ़इन्नल जहीम ही अल मावा। जिसने तुगयानी की, बगावत की, तो अल्लाह फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है कि जहन्नम उसका ठिकाना है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, वो अम्मा मन जिसने, जो अल्लाह के, अल्लाह से डर गया, वनहा नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत ही अल मावा, तो वो जन्नत उसका ठिकाना है। पता लगा कि अहले जन्नत को भी बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? वो उन बुरे ख्यालात को रोक लेते हैं, उन पर अमल नहीं करते। तो सब्र है अल्लाह के अवामर पर अमल करना, उस पर अपनी तबीयत को जमाना, ये भी सब्र है। और अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है उनसे रुक जाना, ये भी सब्र है। और तीसरी सब्र की किस्म है, अगर कोई मुसीबत आए उस पर सब्र करना। मुसीबत पे सब्र क्यों करें? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, उन पर मुसीबत नहीं आती मगर किसकी मर्जी से, किसके इज़्न से? अल्लाह के इज़्न से। मैंने ये बात कह दी, आपने ये बात सुन ली, लेकिन इंसान को अल्लाह ने इस तरह का पैदा किया है कि वो कुछ ना कुछ लालच चाहता है, अपने लिए फ़ायदा चाहता है। सब्र करने से मुझे और आपको क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह ताला ने अपने दीन के अंदर, अपनी शरीयत के अंदर मुख्तलिफ आमाल का मुख्तलिफ बदला रखा है। मसलन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ अस्सलामु अलैकुम, आप बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम, इसका कितना अजर है? 10 नेकियाँ मिलती हैं। अगर मैं बोलूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कितनी नेकियां मिलेंगी? 20 नेकियां। अगर मैं बोलूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कितनी नेकियां मिलेंगी? खाना खाने के बाद की दुआ आती है सबको, क्यों जी आती है? सुन लो, खाना खाने की बाद की दुआ की क्या फजीलत है? आप खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा, या अल्लाह आपका शुक्र है आपने ये मुझे खिलाया, वरज़क़नी ही, और मेरे रिस्क में इसको लिखा, मिन ग़ैरिन हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, बग़ैर मेरी ताकत और कुव्वत के। हालांकि क्या ख्याल है, निवाला मैं ही तो उठा के मुँह में डाल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह को कह रहा हूँ कि मेरी ताकत और कुव्वत थी इसमें कोई नहीं, यकीनन मेरी ताकत और कुव्वत कोई नहीं है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अल्लाह कहते हैं जब खाना खा के कोई ये दुआ पढ़ ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके सारे सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर भी क्यों ना हो।
अच्छा, क्या कोई ऐसे अमाल भी हैं जिनका अजर बेहिसाब है? क्यों जी? शरीयत के अंदर उलमा कहते हैं तीन अमाल हैं जिनका अजर 100, 200, 1,00,000, 1,00,000, 1 करोड़ नहीं बल्कि बेहिसाब है। क्यों जी चाहिए बेहिसाब अजर? किसको नहीं चाहिए? उनमें से नंबर एक क्या है? आपने अल्लाह का दीन पढ़ा, आपने अपने ऊपर अल्लाह के दीन का रंग चढ़ाया। अगर आप खातून ख़वातीन हैं, आपने पर्दा कर लिया क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अगर आप मर्द हैं, आपने दाढ़ी रख ली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। जब आप ऐसे करते हैं तो क्या ख्याल है, मुआशरे के अंदर लोग आपको हार पहनाते हैं? क्या करते हैं लोग? मजाक उड़ाते हैं। किस शख्सियत का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, नून वल कलम वमा यस्तुरून, और आपको कहा कि आप मजनून नहीं हैं, आपके लिए अजर है गैर ममनून, बेहिसाब अजर है। तो पता लगा, उलमा कहते हैं कि दीन पर चलने की वजह से अगर मजाक उड़ाया जाए, उस पर आप सब्र करें तो अजर बेहिसाब। नंबर दो, माशाल्लाह सब रोजे से बैठे हैं इस वक्त, रोजे का कितना सवाब है? रोजा किस जात के लिए रखा गया है? वो जात जो कि बेनियाज है, और अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है, इतना पसंद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, व अना अज्जी बिह, और मैं ही इसकी जजा दूंगा। तो जिसकी जजा का जिम्मा अल्लाह खुद ले लें तो फिर आप सोचें उसका क्या हिसाब होगा। तीसरा अमल जिस पे शरीयत बेहिसाब अजर देती है वो है, अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, इन्नमा युवफ़स्साबिरून अजरहुम, बेशक सबर करने वालों का अजर बिगैर हिसाब, बगैर हिसाब के है। तो दुनिया के अंदर आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए अल्लाह की अतात करते हैं वो सबर है, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचते हैं वो सबर है, और दुनिया वो जिसे कहते हैं ना एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये दुनिया ऐसी चीज़ नहीं है, दुनिया आजमाइशों का नाम है, और आजमाइशों पे आप सब्र करें तो अल्लाह आपको बेहिसाब अजर देंगे। तो कामयाब लोगों की दूसरी सिफ्त क्या है? वो क्या करते हैं? सब्र करते हैं। फलाह इतनी आसानी से नहीं मिलती, फलाह के लिए अल्लाह ताला ने चार इंग्रेडिएंट्स बताए। चाय कैसे बनती है? पानी डालें बन जाती है? चाय को पानी को उबालें, पत्ती डालें, दूध डालें और चीनी हसबे जायका डालें तो चाय बनती है। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु सबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए अहले ईमान सब्र करो और बहुत ज़्यादा सब्र करो और अपना रिबात पकड़ो और अल्लाह से डरो, फिर क्या मिलेगी? लअल्लकुम तुफ्लिहून, फिर फलाह मिलेगी। तो फलाह पाने के असबाब में से बहुत बड़ा सबब सब्र है। कितनी सिफात हो गई जी? पहली कौन सी थी? आखिरत पर ईमान नहीं यकीन, और दूसरी कौन सी? सबर। तीसरी सिफत, अहले ईमान कभी भी छोटा नहीं सोचते, छोटी सोच नहीं रखते। ये कहां से इस्तदलाल किया मैंने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हो जाता हूं जैसा वो मेरे से गुमान करता है। इसे शरीयत में कहते हैं अल्लाह से हुस्ने ज़न करना। आपने अक्सर लोगों को देखा है, उनकी ये आदत होती है कि नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता, नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, वो कामयाब लोग हैं वो तो ये कर लेते हैं, मैं तो ये नहीं कर सकता। आप यकीन करें, इस सोच की नफी एक मुसलमान दिन में 17 दफ़ा करता है अपनी ज़बान के साथ।
मैं अगर 17 दफ़ा दिन में बोलना शुरू कर दूँ ना, मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं, तो आप यकीन करें कि वो बोलने की वजह से ही बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप सुबह सो के उठें, शीशे में अपने आप को देखें और आप कहें यार आज तबीयत नहीं ठीक। बाहर आएँ, शीशे में दोबारा अपने आप को देखें, आप कहें नहीं आज कुछ गड़बड़ है। तीसरी दफ़ा दोबारा शीशा देख के आप तीसरी दफ़ा अपने आप को कहें यार आज तबीयत नहीं ठीक। आपकी तबीयत ठीक भी होगी ना, आपको लगेगा आज तबीयत ख़राब है। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? तो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही इंसान के साथ होता है। आप सूरह नमाज पढ़ते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है, तो अगर आप फ़राइज़ अदा करें सिर्फ, तो आप सूरतुल फातिहा कम से कम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं गिने जी ज़रा। फजर में 2 दफ़ा, जोहर में 4 दफ़ा, कितने हो गए 6, असर में 4 दफ़ा, कितने हो गए 10, मगरब में 3 दफ़ा, 13, ईशा में 4 दफ़ा, 17। आप 17 दफ़ा ये सबक दोहराते हैं कि छोटी सोच नहीं रखें। ये मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? अल्लाह से सूरह फातिहा में क्या दुआ करते हैं आप? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। और उसकी वजाहत क्या है? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम। दुआ आप अल्लाह से कर रहे हैं सीधे रास्ते की, और रास्ता भी उन लोगों का जो कि कौन है? मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। क्या ये टॉप की कैटेगरी नहीं है? दुआ तो आप टॉप की कैटेगरी की मांग रहे हैं और सोच छोटी रख रहे हैं। शरीयत तो ये इल्म देती है कि बड़ा सोचो, अल्लाह से हुस्ने ज़न रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो कोई अदना जन्नत नहीं मांगनी। क्या मांगना है? अल फिरदौसुल आला, बड़ी सोच। हाँ, हमारे आमाल शायद ऐसे नहीं हैं, हमारे बहुत गुनाह हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक साइड पे अल्लाह की रहमत है और एक साइड पे हमारे करतूत हैं, कौन सी चीज़ मुकद्दम है मुझे बताएं? कोई शक है अल्लाह की रहमत में? कोई शक है मुझे बताएं? तो बंदा मोमिन, एक कामयाब शख्स कभी भी छोटी सोच नहीं रखता, कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन में, मनफी ख्यालात को जड़ नहीं पकड़ने देता। और ये हमारी शरीयत हमारी रहनुमाई करती है। कितनी सिफात हो गई जी? कौन कौन सी? आखरत पर, मुझे आवाज़ नहीं आई, नंबर 2, और नंबर 3, ऊंची सोच, नंबर 4, हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर में बहुत नफ्स परस्ती है। मैं मेरी बात, बस मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, और बस मेरा भला हो जाए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड होना। अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। एक कामयाब शख्स की चौथी सिफ्त ये है कि वो जिंदा रहता है लोगों की भलाई के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमें और आपको एक एजाज़ दिया है, और मैं और आप अगर उसको ओन ना करें, अगर उसको अपनाएं मत, तो बहुत शर्म का मकाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं आपको कहूँ ये टेबल बेहतरीन टेबल है तो आप मेरी बात का यकीन करेंगे। रब्बुल इज्जत कह रहे हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मा। आगे पता है अल्लाह क्या कहते हैं? इसलिए नहीं कह रहे कि तुम बेहतरीन हो तो क्योंकि तुम्हारी तुम ऐसे कर लो, तुम अपने लिए वैसे कर लो, नहीं। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो। अपने अंदर ये सिफ्त पैदा करना कि आपने लोगों की, अल्लाह की मखलूक की मदद करनी है, ये अल्लाह के नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। आइए कुछ अहादीस मैं आपके सामने रखता हूँ जो कि इस बात को मज़ीद वाज़े करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहब्बु नासि इलल्लाहि अनफअहुम लिन्नास, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब लोग वो हैं जो कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हों। मुझे आप बताएं,
आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, जहां आप काम करते हैं वहां पे हैं, आपका टीचर, आपका बॉस, आपका मालिक, आपको कहीं से पता लगे कि वो कह रहा था यार वो फलाना अब्दुल्ला मुझे बहुत महबूब है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अल्लाह ताला का क्या मैं और आप महबूब नहीं बनना चाहते? तो अगर अल्लाह का हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें। आप में से कितने लोग हज या उम्रा करने गए हुए हैं, हाथ खड़ा करें। कितने लोग ख्वाहिश रखते हैं, सबके हाथ खड़े होने चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि अभी हॉल में निकलने से पहले आप सबको ये खुशखबरी दी जाएगी कि आपके उम्रे का टिकट आ गया, खुशी होगी कि नहीं होगी? ऐसी खुशी कि इंसान बेकाबू हो जाता है। और अगर आपको ये खुशखबरी मिले कि आपको इतकाफ करने का मौका मिलेगा हरमैन के अंदर, क्या बात है हरमैन की, कम सआदत वाली बात है। मुझे बताएं, दुयूफुर रहमान अल्लाह के मेहमान होते हैं। आइए देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे तरबियत की हमारी लोगों के को फायदा पहुंचाने के सिलसिले में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे ज्यादा महबूब है कि मैं अपने भाई के साथ उसकी जरूरत पूरी करने के लिए, कौन सी जरूरत, कोई भी जरूरत, कोई भी जरूरत, हदीस में कैद नहीं है। आपको कोई कह देता है यार मुझे बाजार से ये पेंसिल ला दो, मुझे बाजार से डबल रोटी ला दो, जरूरत है ना, तो कह रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे ज्यादा महबूब है कि मैं अपने भाई के साथ उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चलूं, बजाय कि मैं अपनी मस्जिद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी, जहां पे एक नमाज का सवाब कितना है। नबी करीम कहते हैं कि मुझे ज्यादा महबूब है कि मैं अपने भाई के साथ चलूं उसकी मदद करने के लिए, बजाय इसके कि मैं अपनी मस्जिद यानी कि मस्जिद नबवी में 10 नहीं, 20 नहीं, 30 दिन का एतकाफ करूं। आप एक भाई की मदद करें, वो इससे ज्यादा औला और अफजल है कि आपको ये मौका दिया जाए। औ कमा कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप चाहते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, और वो फरिश्ता ही होगा, कि जिसकी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं है, यानी कि बिल्कुल मुसीबतों से खाली हो, कोई भी नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ने ये सिलसिला इस तरह का बनाया। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी मुसीबत हल करने के लिए बाहर एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ओहदेदार खड़ा है, आपका जो मसला है इंशाल्लाह वो अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह की मदद से शामिल हाल हो गया और आपकी मुश्किल को दूर कर देगा, तो यकीनन हमें बहुत खुशी होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा नुस्खा है शरीयत ने दिया है जिसमें और कोई नहीं बल्कि मालिकुल मुल्क खुद आपकी मदद करेगा। हदीस में आता है कि जब बंदा अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने में लग जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की ज़रूरतें पूरी करने में लग जाते हैं। याद रखिए, ये दुनिया का निज़ाम है, आप लोगों के लिए मदद करेंगे तो आपकी तरफ मदद आएगी। तो कामयाब अशखास की चौथी सिफ्त क्या है कि वो लोगों की मदद करते हैं। अगली दफ़ा आपसे कोई भी किसी चीज़ को कहे और तबीयत आमादा ना हो, इन अहदीस को जहन में रखें। पांचवी सिफ्त क्या ख्याल है जी, पांचवी सिफ्त क्या होगी, क्या होगी पांचवी सिफ्त? सब जाग रहे हैं जी, पांचवी सिफ्त, बस मजीद आपके 10 मिनट लूंगा इंशाल्लाह, फिर अपनी बात को हम इख्तिताम करेंगे। पांचवी सिफ्त इकामत सलात है, नमाज की इकामत है। आप कहेंगे अच्छा इसके बारे में तो हमें पता ही है, यही रवैया हमें ले डूबा है, यही रवैया कि ठीक है ये तो फर्ज है ये हमें ले डूबा है।
अगर आपको पता लग जाए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकात नाजिल होती हैं नमाज की इकामत से, बाजमात नमाज मस्जिद में पढ़ने से, तो अगर आपको औंधे बल मुंह के बल भी रींग के मस्जिद जाना पड़े तो हम जाएंगे। किताबो सुन्नत के अंदर बेशुमार बेशुमार फजीलतें हैं इकामत सलात की, कुछ आपके सामने गोश गुजार करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात यानी कि अपने ख्वाब में मेरे पास मेरे रब आए और उन्होंने मुझे कहा, तुम जानते हो अल्लाह के बरगुजीदा फरिश्ते किस बात में आपस में झगड़ते हैं? वो कहते हैं कफारात कफारात। लंबी हदीस है, मफहूमन आपके सामने रख रहा हूँ। तो सहाबा ने कहा, नहीं आप ही बताइए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कफारात वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के बरगुजीदे फरिश्ता झगड़ते हैं कि हम इनकी नेकी अल्लाह की तरफ लेके जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि नमाज के बाद वहां पे बैठ के अल्लाह का कुछ देर के लिए जिक्र अज़कार करते हैं। नंबर दो, नमाज पढ़ने के लिए पैदल मस्जिद रवाना होते हैं। नंबर तीन, तबीयत आमादा ना होने के बावजूद अहसन वजू करते हैं। अव कमा कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसकी फजीलत की बात हो रही है? नमाज पढ़ने की फजीलत की बात हो रही है। अभी नमाज शुरू होना तो दूर की बात, अभी तो मस्जिद भी नहीं आई, अभी तो वजू की बात हो रही है। कौन चाहता है कि उसको जमानत मिले बेहतरीन जिंदगी की और बेहतरीन मौत की? हाथ खड़ा करें, हम सब चाहते हैं। यही हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें आता है, जो ये करेगा वमन यफअल ज़ालिक आशा बिखैरिन वमाता बिखैरिन। जो ये शख्स करेगा यानी कि इकामत सलात के उमूर करेगा, वो खैर के साथ जिंदा रहेगा और आफियत वाली मौत आएगी उसको। एक आखिरी हदीस सुना के अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर से आए और शरीयत हुक्म देती है और हमारे मेज़बान ने हमारी खूब मेज़बानी की, अल्लाह उनको जजाए खैर दे। आप किसी भी मेज़बान की तरफ मेहमान बन के जाते हैं तो इंसान खुश ही होता है, आपको वो शौक़ से बुलाते हैं, आपका इकराम करते हैं, आपको खिलाते हैं पिलाते हैं, तहाइफ वगैरह देते हैं। और जो जितनी ज़्यादा मेज़बानी करे उतनी खुशी होती है, क्यों जी, होती है कि नहीं होती? हदीस में आता है कि जो शख्स मस्जिद की तरफ जाता है बाजमात नमाज के लिए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर मेहमानी तैयार करते हैं। और हदीस के अल्फाज हैं कि क्या मेज़बान पर फिर लाजिम नहीं कि वो उसकी मेज़बानी करे, उसकी मेहमान नवाजी करे? अल्लाह से ज़्यादा मुझे बताइए कोई है मेहमान नवाजी करने वाला? तो जितना अल्लाह नवाजेगा उतना कोई नहीं नवाजता। तो पता ये लगा कि इकामत सलात की बेहद बरकात हैं। दो तीन अहादीस मैंने आपके सामने रख के इस बात की तरफ इशारा किया है। हदीस में आता है कि जिसकी नमाज दुरुस्त हो गई उसके सारे उमूर अल्लाह दुरुस्त कर देते हैं, और जिसकी नमाज ही ख़राब हो गई उसके बाकी सारे उमूर भी अल्लाह ताला बिखेर देते हैं। औकम कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये पांच सिफात हैं जो कि मैं और आप अगर अपने अंदर पैदा करें इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ दुनिया के अंदर कामयाबी देंगे बल्कि आखिरत के अंदर भी कामयाबी देंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपको बताया, जो कुछ आपने सुना, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये महफ़िल बहुत बाबरकत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इस महफ़िल की बरकत से कि अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह ताला गुनाहों की कराहत हमारे दिल में रख दे और ईमान और नेकी को हमारे दिल में मुज़य्यन कर दे।
اور ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے, اور جس طرح ہم یہاں پہ جمع ہیں, اور یہ کوئی لفاظی یا ایک رسمن میں نہیں کہہ رہا, جس طرح ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع کر دے, اور یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیرا. Yeah.